नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। यस बैंक के मास्टरमाइंड कहे जा रहे राणा कपूर को सेशन कोर्ट ने 11 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने करीब 30 घंटे से ज्यादा राणा कपूर से पूछताछ की थी। मैराथन पूछताछ के बाद ईडी ने उनकी गिरफ्तारी का फैसला किया। आज सुबह मेडिकल जांच के बाद राणा कपूर को कोर्ट में पेश किया गया। आज सुबह ही राणा कपूर की पत्नी को भी ईडी ने तलब कर लिया था। इससे पहले कपूर की बेटियों से भी पूछताछ हो चुकी है। हालांकि वित्त मंत्री ने कल बैंक के ग्राहकों को उनकी कमाई सुरक्षित रहने का भरोसा दिया है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी कई तरह के सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि संकट तो ये है कि सारी कमाई यस बैंक में जमा कराने वाले ग्राहकों को कितनी भी जरूरत चाहे क्यों ना हो, 50,000 से ज्यादा की निकासी वो नहीं कर सकते। एटीएम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। मुंबई से जुड़े हैं हमारे संवाददाता सौरभ अक्तानिया। सौरभ, पुलिस ईडी कस्टडी में तो भेज दिया गया, ईडी को कस्टडी मिल गई है राणा की, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल अब भी यही है कि जो निवेशक है उनका क्या होगा। 50,000 से ज्यादा चाहे कुछ भी हो जाए वो निकासी नहीं कर सकते, इवन इफ अगर मेडिकल इमरजेंसी भी क्यों ना हो। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि ये कब खत्म होगा। इसलिए कल जब SBI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो उन्होंने कहा 2 दिन का समय मांगा है, क्योंकि वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सलाह मशवरा करेंगे। देखिए कि जिस तरीके से SBI की जो मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन से पार्लियामेंट में, उसके बाद जो है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई कल मुंबई में, और उन्होंने कहा कि उनको 2 दिन का समय चाहिए। 9 मार्च को वो सामने आएंगे कि किस तरीके से वो बेल आउट करने वाले हैं यस बैंक को। अब देखिए कि अब जैसे बैंक तो फिलहाल बंद है, लेकिन यस बैंक ने एक स्टेटमेंट इशू किया है कि वो एटीएम से, जो अपने ग्राहक है वो एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। अब ये पूरा मामला कितने करोड़ का है श्वेता, सबसे बड़ा सवाल ये, क्योंकि आज जब ईडी ने राणा कपूर को मुंबई के सेशंस कोर्ट में पेश किया गया तो पता चला कि ये 4,300 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। डिबेंचर्स खरीदे गए थे इसमें सौरभ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, परिवार की किस तरह से भूमिका है, खास करके बेटियों की किस तरह से इसमें भूमिका है इस बारे में, क्योंकि उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई है और 2 बेटियों से भी हुई है पूछताछ। बिल्कुल, उनकी पत्नी से भी पूछताछ हुई थी, उनकी बेटी से भी पूछताछ हुई थी। ये ऐसा है कि यस बैंक ने DHFL से 3,700 करोड़ के डिबेंचर्स खरीदे थे। अब ये जो यस बैंक ने पैसा इन्वेस्ट किया था वो ग्राहकों का पैसा था, उनका खुद का पैसा नहीं था, और उसके बदले एक कंपनी को DHFL 600 करोड़ ट्रांसफर करती है, यानी कि लोन देती है। और ये जो डुएट नामक कंपनी है श्वेता, ये राधा कपूर उसके अंदर डायरेक्टर है, जो कि राणा कपूर की बेटी है। तो एक तरीके से इसे ईडी ने कहा है कि ये घूस दिया जा सकता है, तो ये बड़ा मामला है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। 4,300 करोड़ से ज्यादा का आरोप है। अब राणा कपूर जब कोर्ट में बोले तो उन्होंने कहा कि जब से मैंने अपने बच्चे को खोया है मेरी साइकेट्रिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरे बच्चे, यानी कि उन्होंने यस बैंक को अपने बच्चे की तरह कहा और उनका मेंटल हवाला देते हुए। लेकिन आज इस स्थिति में जो यस बैंक पहुंचा है उसके पीछे राणा कपूर ही है, इस पर क्या वो कहेंगे अब फिलहाल बड़ा मुश्किल है समझ पाना। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 10 बजे राणा कपूर को ईडी दफ्तर से मेडिकल के लिए ले जाया गया। इस दौरान मीडिया ने राणा से कई सवाल पूछे, लेकिन वो सवालों से भागते और बचते हुए दिखे। बैंक घोटाले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये गड़बड़ी मनमोहन सरकार की नीतियों की वजह से हुई है, उनकी सरकार इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। जहां तक यस बैंक का सवाल है तो सरकार तो सख्ती से कार्रवाई कर रही है, आप देख रहे हैं स्टेट बैंक उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री जी ने विस्तार से बताया है कि जिन लोन के कारण यस बैंक की हालत डवाडोल हुई है वो लोन कब दिया गया था, जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री और श्रीमान वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब थे, फोन बैंकिंग होती थी ना, इसको लोन दो, उसको लोन दो, इसको लोन दो और उससे कट लो। तो ये कट लेने का सिस्टम जो चलता था उसके कारण संस्थाएं परेशान होती हैं, लेकिन हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और किसी भी डिपॉजिटर्स का अहित नहीं होगा।
यस बैंक घोटाले को लेकर एक तरफ लोग परेशान हैं तो नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 2017 से यस बैंक में गड़बड़ चल रही थी और इसकी जानकारी रिजर्व बैंक को थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज राणा कपूर को गिरफ्तार करके कोई ताली बजाने का मौका है क्या? असल बात यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ग्राहक हैं, उनका पैसा महफूज है या नहीं है, जो आज ये हालत हुई है इसका जिम्मेदार कौन है, और जो कर्जे इन्होंने दिए हैं जो वापस नहीं आ रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो कर्जा वापस नहीं कर रहा है, ये बैड लोन्स का क्या होगा? सरकार ने इतना विलंब किया जिससे आज जो धारक लोग हैं उनको परेशानी हो रही है। किसी को अस्पताल के लिए पैसा चाहिए, किसी को शादी के लिए पैसा चाहिए, किसी के घर की और कोई आवश्यकता है उसका पैसा चाहिए। हमने ये देखा है मौजूदा सरकार डीमोनेटाइजेशन के समय से लेके आज तक आर्थिक मामलों में बहुत लापरवाही बरतती रही है जिससे जनता को बहुत परेशानियां हो रही हैं, और यस बैंक घोटाले के साथ साथ अन्य तमाम बैंकों के भी बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। सरकार आर्थिक मामलों पर बहुत ही लापरवाह है। उसके अलावा कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई कमी है, सरकार बिना समय गंवाए हुए उस पर कार्रवाई करती है, और उस कार्रवाई में किसी भी का नुकसान ना हो जो आम लोग हैं उसका, उसको सुनिश्चित करती है। इसके लिए जो है वो ऐसे गुरुओं की शिक्षा हमें नहीं चाहिए जिनके की शासन काल में चौतरफा लूट और चौतरफा घोटाले हुआ करते थे। अब उनके एक तो कहते ना गुरु नंबरी चेला दस नंबरी, तो इन गुरु के चेले भी उसी तरह से बोलते रहते हैं। राणा कपूर को 11 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा जा चुका है। इससे पहले देर रात उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया और मैराथन कई घंटों तक पूछताछ की। चौबीस घंटे लंबी पूछताछ के बाद राणा कपूर ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो जुबान सिली हुई थी। मीडिया के हर सवाल के जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। राणा कपूर ईडी दफ्तर से मेडिकल जांच के लिए निकले तो पीछे से उनकी पत्नी बिंदु ईडी दफ्तर के बाहर हाजिर हो गईं। ईडी के पास उनके लिए सवालों की लंबी फेरिस्त है। मैम बात करेंगी, मैम ईडी के साथ साथ यस बैंक घोटाले में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। सीबीआई ने यस बैंक की 3 ऑडिट रिपोर्ट की पड़ताल शुरू कर दी है। इसके बाद ही एफआईआर दर्ज करने का फैसला लिया जाएगा। इससे पहले ईडी की एक टीम ने शनिवार को यस बैंक मुख्यालय को भी खंगाला। ये टीम यस बैंक से दस्तावेज लेकर देर रात लौटी। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने राणा कपूर की 3 बेटियों से भी पूछताछ की। राणा कपूर की बेटी ड्विट अर्बन वेंचर प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक है जिसे डीएचएफएल से 600 करोड़ मिले। अब सवाल यह है कि क्या इस 600 करोड़ के ट्रांजैक्शन और डीएचएफएल के एनपीए में कोई कनेक्शन तो नहीं है। राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज है, देश छोड़ने पर भी मनाही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब यस बैंक का बैंड बजना शुरू हो गया था राणा कपूर खुद अपना शेयर निकाल रहे थे, तब सरकार आरबीआई और जांच एजेंसियों की नींद क्यों नहीं खुली? रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ की दीवारों पर हिंसा उपद्रवियों के पोस्टर लगाने का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेकर उस पर सुनवाई करने का फैसला किया। पहले सुनवाई सुबह 10 बजे चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच में हुई, लेकिन एडवोकेट जनरल के पहुंचने में देरी के चलते सरकार ने कोर्ट से सुनवाई के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय मांगा है। इस मामले में कोर्ट ने डीएम और पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि किस नियम के तहत तस्वीर के साथ पोस्टर दीवारों पर लगाए गए। दारापुरी साहब,
आज तक में स्वागत है। ये बताइए कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है जिसमें आपके नाम, सदस जफर के नाम, कई और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके नाम, और साथ साथ 57 ऐसे लोग जो तथाकथित उपद्रवी हैं उनके पोस्टर्स लगाए गए। जी, देखिए ऐसा है कि सरकार जिला प्रशासन की ये कार्रवाई पूर्णतः अवैधानिक है, क्योंकि प्रशासन को इस प्रकार के पोस्टर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कानून तो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आरोपित है तो पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना उसका फोटोग्राफ लेने का अधिकार भी नहीं है। इसमें तो हम लोगों के फोटोग्राफ लेके और उनको जो है इसमें पोस्टर लगाए गए, ये कार्रवाई पूर्णतः अवैधानिक है। केवल हमारे फोटो नहीं लगाए हैं, उसके साथ हम लोगों के घर का पता भी मतलब लिखा गया, तो ये कार्रवाई पूर्णतः अवैधानिक है। और इससे हम लोगों का एक तो जो निजता का अधिकार है उसका मतलब उल्लंघन हुआ है, और दूसरा हमारा एक्सपोजर कर जाने से हम टारगेट बन सकते हैं, और इससे हमारी लाइफ और लिबर्टी का जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। तो ये सरकार की ये सारी कार्रवाई जो है ये राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग है और पूर्णतः अवैधानिक है। बढ़ेंगे आगे और अब बात दुनिया भर में तेजी से पैर पसारते कोरोना की। देश में आज कोरोना के 5 नए मरीज सामने आए हैं। ये सभी मरीज केरल के तिरुवनंतपुरम के हैं। इन 5 मरीजों के साथ देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या 39 हो गई है। आज दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिव स्वास्थ्य, मंत्री मौजूद थे। इस मीटिंग में दिल्ली में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। दिल्ली में अभी तक 3 केसेस हैं, तो एक तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग सब लोग, पूरी सरकार इसको लेके चिंतित है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सबके सहयोग की ज़रूरत है। अगर हम सब लोग सहयोग करेंगे तो जैसे अभी तक हम पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इसको कंटेन कर पाने में सफल हुए हैं, ऐसे ही आगे भी हम लोग ज़रूर सफल होंगे। अभी तक दिल्ली के अपने 3 केसेस हैं और 1 केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है जो हो सकता है कि पॉजिटिव हो। इन 3 केसेस को जब इनसे पता किया गया तो पहले केस के 105 कॉन्टैक्ट लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था, वो दूसरा केस 168 लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था पिछले 14 दिन में, और तीसरा केस 64 लोगों के कॉन्टैक्ट में आया था। जिन जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में पिछले 14 दिन में ये लोग आए थे उन सभी को हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं, उन सभी को हम लोग सैंपल्स कलेक्ट करके उनकी चेकिंग कर रहे हैं कि उनको तो कभी नहीं हो गया है। आधी आबादी के नाम एक दिन, आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति को सलाम कर रहा है। इस मौके पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति ने आज महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। आज पीएम मोदी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट 7 महिलाओं के हवाले कर दिया। इसके अलावा देश में कई जगहों पर महिलाओं को बराबरी का मौका देते हुए ट्रेन और स्टेशन की जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं की कामयाबी की झलक आप इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।